अरे रोमांटिक हम बचपन से समझ में आया। This video is going to be crazy ना। पंचा, you excited? I am, लेकिन मेरे ज़्यादा तू है। हाँ वो तो पता है। टाइटल तो आपने देख ही लिया। इस वीडियो में हम और आप मिलकर के बनाएंगे मटन। मटन आमतौर पे बाजार से लाते हैं, पर हम लोग गेहूं के आटे से मटन बनाने वाले हैं, जिसे कहते हैं सेटन। सेटन वो वाला सेटन नहीं, शैतान वाला सेटन नहीं, शैतान जिंदाबाद। शैतान जिंदाबाद वो वाला नहीं, इट्स कॉल्ड ए सेटन। स्पेलिंग क्या होता है? SEITAN। पर सवाल ये है कि हम सेटन क्यों बना रहे हैं, आटे से साला मटन बनाना क्यों है, तो ये आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर नए हो तो आपको पता नहीं होगा ये सुंदर सी कन्या हमारे बगल में जो खड़ी है वो कौन है, तनिक हम बता दें आपको। हम कौन है सबको पता है, ये हमारी धर्म पत्नी है। जी हाँ, हमारा ब्याह हुआ है इसके साथ, बकायदा मांग में सिंदूर भरा है हमने। Alright, so here's the thing, she is a pure vegetarian and I'm a hardcore non-vegetarian. तो अभी सीन क्या है ना, मुझे हमेशा से ये फीलिंग रही है कि मैं इसको बताऊं कि नॉनवेज की जो टेस्ट होती है वो कैसे होती है, जो टेक्सचर होता है, जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, इसको नहीं पता। और वो बताने की एकमात्र वजह ये है कि मुझे नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे स्वाद अच्छा लगता है। हालांकि इट इज नॉट गुड टू किल एनिमल्स एंड ईट देम, एंड इन फैक्ट आई हैव ट्राइड टू क्विट नॉनवेज दो बार लाइफ में। एक बार तो मैं पूरा 1.5 साल तक नॉनवेज नहीं खाया था, बट नाउ इफ दिस ऑल्टरनेटिव वर्क्स We have hope. तो हमें पता नहीं है इसका स्वाद कैसा है, तो आप लोगों के साथ मिल करके बनाएंगे। पहले तो मटन बनाएंगे घर पे गेहूं के आटे से और खाएंगे आप लोगों के साथ, और बाद में आपको बताऊंगा इसका स्वाद कैसा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ये बताता हूँ आपको। सेटन ये जो चीज है ये बनती है गेहूं के आटे से, तो हमें जो पूरा स्टार्च है वो निकाल डालना है। तो कैसे निकालना है, प्रोसीजर क्या है, चलो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना होगा आटा, नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है वो। एंड आई नो दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो। ए वी हैव मॉम हियर। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? हम लोग मटन बना रहे, बीफ बना रहे, चिकन बना रहे आटे से। आज मटन और लेके कौन आया? बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, लेके कोई नहीं आया। मैंने बीफ कहा गाइस अभी, क्योंकि नेट पे आप सर्च करोगे, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो लिखा है कि जो सेटन की टेस्ट होती है वो बहुत ज्यादा मटन या बीफ से मैच करती है। पता नहीं कितना सच है, पर ट्राई करेंगे। और लेना यार, थोड़ा और डालना, और डाल, बनता है। पानी क्या डाल रही है, आटा मिला, थोड़ा मटन बड़ा। ये एकदम नॉर्मल आटा है, आप देख सकते हैं, होल व्हीट फ्लावर। इतना लेकर के ट्राई करते हैं। यू नो व्हाट, यू होल्ड द कैमरा, आई विल डू इट। तू करने वाला है या पसारा उनको करूँगा बंचा? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी, इफ यू गाइस आर वाचिंग तो हेल्प योर वाइफ्स एट होम, मतलब सिर्फ रोटियां मत तोड़ा करो, कभी जाके रोटियां बनाया भी करो। कैसे पंजाबी क्योंकि हेल्प नहीं करता है अभी बोल रहा है यहाँ पे। हाँ पर वीडियो में ऐसा बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, तू नहीं कर रहा है तो मत बोल। मुझसे कई लोग इंस्पायर हो सकते हैं, तो बोलना चाहिए वीडियो पे, हमेशा अच्छी चीजें बोलनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए अगर गलती कर दे तो। वी ऑलवेज बी रियल एंड दैट इज व्हाई मैं कैमरा हैंडल करने वाला हूँ, दीपिका करने वाली है। I'm so sorry guys, but she is much faster at it, so I'll let her do it. तो आटे में उसके बाद आपको मिलाना है पानी। What happened? पानी में क्या है? कुछ तो गिरा। Okay, साफ पानी लेना guys, ऐसे कुछ गिरा हुआ पानी मत लेना। Yeah, that's how we do it. Normal, जैसे आटा गूंथते हैं। आटा गूंथते समय आपको सिर्फ पानी डालना है, आपको नमक नहीं डालना है और आपको ऑयल भी नहीं डालना है, तेल भी नहीं डालना है। जब तक कि दीपिका आटा गूंथ रही है, मैं आपको सेटन के कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बता देता हूँ। सेटन विच इज ऑल्सो नोन एज व्हीट ग्लूटन, तो ये जो अभी हम बनाएंगे वो पूरी तरह से ग्लूटन है। तो इफ यू ग्लूटन एलर्जिक और इफ यू डोंट इनटेक ग्लूटन इन योर फूड, अवॉइड इट। समझ में आया क्या? चीज बैठ गई है यार मुंह में। समझ में आया क्या? बहुत हार्ड। बार बार ये सेटन के जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है वो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं सीधी तरह से वाइटल वीट ग्लूटेन लिखा है वहां पर। 100 ग्राम सेटन में आपको मिलेगा प्रोटीन। कहा गया भाई हमें सिर्फ प्रोटीन से मतलब है, 75 ग्राम प्रोटीन। इज दैट ट्रू? मुझे एक्चुअल में विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार। कैलोरीज भी सिर्फ 370 है और 75 ग्राम प्रोटीन कुछ ज्यादा ही होता है। कोई और वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं, माई फिटनेस पैल पे चेक कर लेते हैं। माई फिटनेस पैल इज द वेबसाइट, जब भी मुझे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में जानना हो मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ। तो 100 ग्राम में आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन। कैलोरीज भी सिर्फ 120 है, सोडियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, फैट बिल्कुल भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है और कार्ब सिर्फ 5 ग्राम है। ये बहुत सही है। आई विल बी रियली हैप्पी इफ दिस वर्क्स। अगर इसकी टेस्ट चिकन जैसी, मटन जैसी, बीफ जैसी हो तो सीरियसली मजा आ जाएगा। एंड वी हैव द गोड़ा। आटा गूंदने के बाद वो कुछ ऐसा हो जाता है, अगर आप कभी किचन में गए नहीं हो तो बता रहा हूँ आपको। आई डिडंट से आटा, आई सेड आटा। ओके, नो, बस इट्स दैट आटा। अभी इससे आपको मटन कैसे निकालना है वो बताता हूँ। विल यू फोकस? ऑलराइट, चलो हम लोग चेक करेंगे एक बार कितना आटा डाल रहे हैं और कितना निकलता है फिर उसमें से मटन। मैं थोड़ा निकाल डाल। परफेक्ट, 400 ग्राम परफेक्ट। अभी गाइस ये जो 400 ग्राम आटा है गूंदा हुआ, इसको धोना है आपको पानी के नीचे।
चलो एकदम कुकरी वाला व्लॉग है ये। बचपन में मुझे याद है मम्मी जब आटे के लिए ऐसी थैली बना के रखती थी बाहर, उसमें से कुछ गेहूं निकाल लेता था मैं और डाल के मुंह में उसका मस्त चबा चबा के च्युइंगम बना देता था। Yes. Have you done it? Yes, मैंने भी किया। Have you done it? पता नहीं। पता नहीं मतलब किया ही होगा। भाई तो भाई have you done it? अगर किया है तो लाइक जरूर दबाना क्योंकि मुझे पता है सभी ने किया है, और अगर नहीं किया है ना तो यू आर मिसिंग द फन। थोड़े से गेहूं उठाइए, किचन में जाइए, डालिए मुंह में उसका चिंगम बनाइए। आई जस्ट सेड चिंगम। अभी पानी में आटा डालना है, पुट इट, और फिर उसमें से आपको पूरा स्टार्च निकालना है। यू जस्ट हैव टू डू दैट दैट यस ऐसे हां, और पानी व्हाइट होने लगेगा, आप देख रहे हो, दैट इज द एंटायर स्टार्च, दैट मींस द स्टार्च इज कमिंग आउट एंड द ग्लूटेन इज गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम इट। तो ये कब तक करना है? ये तब तक करना है जब तक पानी ऐसे पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। तो आई हैव टू चेंज दिस वाटर। यस, अभी वापस पानी चेंज करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू रिपीट इट। अब ये पानी फेंक देना है, इसमें नया पानी लेना है और वापस सेम चीज रिपीट करनी है। सो लेट्स पुट द कैमरा ऑन अ लिटिल टाइम लैप्स। अब जैसे देख सकते हैं अभी पंचायत ने ले लिया है जेंडर इक्वालिटी का। वैसे देखा जाए तो वेजिटेरियन मीट किससे बनता है पंचायत? जैसे मुझे जितना पता है सोया मशरूम से बनता है। हाँ। सोयाबीन सोया से बनता है, मशरूम से बनता है, बाद में टोफू, लेकिन मैंने टोफू टेस्ट किया है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोया मैंने ट्राई किया है, ठीक है वो मैं खा सकती हूँ। तो आप लोगों को पसंद है क्या सोया मशरूम टोफू, बताइए कमेंट्स में। लिटरली हम लोग नॉनवेज खाते हैं, इसके लिए जानवरों को पैदा किया जाता है जस्ट फॉर फूड। आई सो विश कि एक दिन मैं नॉनवेज बंद कर दूं, बट आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल इट। स्वाद ही कुछ ऐसा है, पता नहीं शायद उसमें कुछ ड्रग डाल देते हैं जिसका एडिक्शन हो जाता है। सो इफ यू आर रेजिंग किड्स मेक देम वेजिटेरियन राइट सिंस द बर्थ, वरना एक बार उसके मुंह को खून लग गया तो लग गया। समझ में आया क्या? बहुत हार्ड। पंचा बस हो गया ना, अभी कितना करने का है यार, ये बहुत मेहनत का काम है। इसमें मेहनत बहुत लगती है, टाइम बहुत जाएगा आपका। अगर सक्सेसफुल हुआ तो शायद पूरे हफ्ते का एक ही बार में बना ले। मुझे लगता है दिस इज द 10th टाइम आई एम डूइंग इट। 10 वेसल्स फिल्ड विद वाटर, इतना वेस्ट हो चुका है पहले। वैसे अगर एक बकरी को बड़ा करे तो इससे कहीं ज्यादा पानी जाता है, और फिर उसको काट के खाए तो मतलब छोड़ो। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी इसके ऊपर। वैसे आधा किलो का जो घोड़ा था उसका अभी इतना ही हो गया, इससे शायद तीन ही चिकन नगेट बन पाए। और ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ओके, अभी ऑलमोस्ट द वाटर इज ट्रांसपेरेंट। लेकिन तूने ये मूंछ और ये सब दाढ़ी क्यों निकाल दी? क्यों निकाल दी प्लीज? क्योंकि मेरी मर्जी। रेंटल शॉरी, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग, हैशटैग रेंटल शॉरी। आई नो इंस्टा स्क्वाड नोस इट राइट, हिट द लाइक बटन इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग ब्रो। पंचा तो कितने छोटा सा वाल दिखता था। तो आप ये चीज लेकर के इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मराठी में इसको गाड़नी बोलते हैं, गाड़नी में ये डाल दीजिए ऐसे। अभी जो है वो है, समझा ना? वी डोंट डू फेक शिट यो। मुझे कैसे आ रही है? और ऐसे पूरा आप इसमें दबा के इसको निचोड़ के पूरा निकाल सकते हो। ये रेसिपी जो है हम लोग ने बहुत मेहनत करके ढूंढ के निकाली है। तो ये सब कुछ के सर्च करते रहते हैं क्या ऑप्शन? हाँ। सब्स्टिट्यूट कुछ तो मिल जाए। अरे मतलब पंची जीवा आए। पूरा ऐसे निकाल सकते हो आप उंगली से अच्छी तरीके से पूरा। कितना ग्राम रहेगा ये? वो अभी चेक करना है हमें। ओके, Oh my God. Oh my God. 400 ग्राम का अभी सिर्फ 41 ग्राम बचा है, मतलब 10 टाइम्स उसका वेट कम हो गया। Yes. तो देखिए दोस्तों, इस चीज को आप इस तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली तवे पे डाल के आप इससे चिकन की तरह एक पैटी बना सकते हैं जो कि लगेगी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, पर इसको हम करेंगे बॉइल। तो चलिए अब बॉइल करते हैं दोस्तों, इस तरफ आइए। ये जो 40 ग्राम सेटन हमने निकाला है इसको अब हमें करना है बॉइल। टेली शॉपिंग साला ज्यादा ही देख लिया रहता है। ऑल राइट, ये बेस है, इसमें कुछ फ्लेवर नहीं होता, तो एक ब्रॉथ आपको बनाना पड़ेगा जिसमें आप डाल करके इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो ब्रॉथ कैसे बनाएं उसके लिए आपको लगेगा अनियन, गाजर, गार्लिक डालते हैं, जिंजर डालते हैं और थोड़ा सोया सॉस भी डालते हैं। वैसे डायरेक्टली आप इस बॉल को फ्रिज में रख सकते हैं और फिर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दिस इज प्रैक्टिकली योर मीट। टेक्सचर थोड़ा बहुत लग रहा है, पर मैं जो रेसिपी आपको बता रहा हूँ उसमें आपको इसको पहले बॉइल करना पड़ेगा। तो मैंने पानी रख दिया है यहाँ पर उबलने के लिए और उसमें कुछ वेजीज डालेंगे। Yes. और थोड़ा सोया सॉस, थोड़ा सा नमक, इसको मैंने अच्छा सा शेप दे दिया है दिखा कैसे? फिर, ताकि मैं प्रॉपरली कट करके इसके नगेट्स बना सकूं बाद में। Okay. और फिर अभी इसे डालना है इसके अंदर। और इसको कब तक बॉईल करना है? जब तक कि अंदर डाला हुआ बॉल कड़क नहीं हो जाए आपको इसको बॉईल करना है। Okay. एक नाइफ को इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं हमने रेसिपी कहाँ से फाइंड की, वो अगर आपको जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब थोड़े ही टाइम में अपना ये जो वीगन मटन है वो तैयार हो जाएगा और फिर इसको तवे पे डाल के मैं फ्राई करूंगा। ब्रॉथ में डालने से पहले इसका जो स्मेल था वो बिल्कुल आटे की तरह था। अब एक बार सूंघ करके देखते हैं, थोड़ा अलग स्मेल है। स्पाइसेस का थोड़ा? स्पाइसेस का नहीं, सोया का स्मेल आ रहा है। सोया सॉस डाला है ना? हाँ।
उसका स्मेल आ रहा है। ऑलराइट, तो अभी इसे कट करना है। यस गाइस, डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल रिजेम्बलेंस। चिकन ब्रेस्ट वगैरह की बात कर ले तो थोड़ा सिमिलर लग रहा है। थोड़ा ज्यादा बॉइल कर दे तो ये पूरा कड़क हो जाता है, तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। अभी इसको मैरिनेट करते हैं, आपको एकदम पास में से दिखा देता हूँ। So that is how it is looking. इसमें मैंने पुदीना, धनिया, गार्लिक और जिंजर डाला है। और नमक? नमक भी डाला है। अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं, थोड़ा टर्मरिक भी डाल देते हैं। ओके। लाल मिर्च, टर्मरिक। I'm a cooking expert by the way. She knows it. खिला इसको बहुत कुछ, सैंडविच वैंडविच बना के उसके ऊपर सॉरी लिख के लेके गया था। हाँ, एक बार पवई ले, एक बार एक बार। हाँ, अपने हाथों से खिलाया और पटाया लड़की को। मेरे पास अभी भी है वो। कुछ तो हुआ था, लफड़ा लफड़े तो मैं करते ही रहता था इसके साथ, दुनिया के साथ करते रहता हूँ यार। तो ये तो पहला शिकार है, वैसे पहला नहीं है पर आखिरी है। रोमांटिक है। अरे रोमांटिक हम बचपन से, समझ में आया। मैरिनेशन के बाद कुछ ऐसे दिख रहे हैं हमारे नगेट। स्मेल्स गुड, ऑब्वियसली इतने मसाले तो खुशबू तो अच्छी आएगी। अब ये जो वीगन नगेट्स हैं अपने, वो चिकन जितने या मटन जितने डेंस नहीं है, तो कुक करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, धीमी आंच पर पकाना है और ज्यादा देर तक नहीं पकाना है। वैसे पानी छूट रहा है मुंह में। आई जस्ट होप दे टेस्ट गुड। वाओ, ओह माय गॉड, दैट सो लुक्स लाइक चिकन। क्या बोला ये? कुछ नहीं होता, इंसान पहले से ही होता है राजपंचू। समझ में आया? दैट इज हाउ इट इज लुकिंग। आपको तोड़ के बताता हूँ। ओके, लग अच्छा रहा है यार। मम्मी, वेयर इज मम्मी? तो ये लिटिल लिटिल चार पीसेस बने हैं 400 ग्राम के आटे के गोले में से। तो सबको मिलेगा एक एक पीस, हम खाएंगे ऑन कैमरा और आपको बताएंगे इज दिस एक्सपेरिमेंट वर्थ इट और नो। लेट्स डू इट। आई वोंट से इट टेस्ट्स लाइक मीट, नो। टेस्ट अच्छा है मगर मीट जैसा तो नहीं है। टेस्ट अच्छा है पर मीट जैसा नहीं है। डू यू लाइक योर टेस्ट? मुझे तो चपाती जैसा ही लग रहा है। चपाती जैसा? सॉरी, चपाती नहीं, वो दाल बाटी। हाँ, उसके जैसा टेस्ट है। दाल बाटी चूरमा टाइप। वी हैव सम मोर? और किसी को थोड़ा? नहीं, तू ही खा ले। आई थिंक द टेक्स्चर इज वॉट मेक्स द डिफरेंस। और नॉनवेज का जो टेक्स्चर होता है, देयर आर सम स्ट्रैंड्स, मतलब मसल में ऐसे जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आप फील करते हो खाते वक्त, वो इसमें नहीं आ रहा है। हालांकि स्मेल मसाले का पूरा एकदम सही लग रहा है। इट हैज अब्सॉर्ब्ड एवरीथिंग रियली नाइसली। व्हाट इफ यू मेक अ बर्गर ऑफ दिस और दे दिया तो शायद पता नहीं चलेगा। क्या बोलते हो? नहीं, अगर टिक्की बनाई जाए ना तो नहीं समझेगा। नहीं समझेगा, शायद नहीं समझेगा। अगर टिक्की पूरी प्रॉपर बनाओ और बर्गर के अंदर डालो तो नहीं पता चलेगा कि आप चिकन खा रहे हो या वेगन ये चीज खा रहे हो। आई वोंट से इट वॉज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। ये देखो, ये जो पार्ट है ना, जो आपको वो फीलिंग देते कि थोड़ा आटा टाइप कुछ है। आई डोंट नो व्हाई देयर इज सो मच हाइप ऑफ सेटिन इन द मार्केट, मे बी बिकॉज पीपल आर कन्वर्टिंग इनटू वीगन्स लेटली। इट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट, मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन है, अपने न्यूट्रिशनल फैक्ट तो देख लिया। बट अगेन, इट हैज अ लॉट ऑफ ग्लूटेन इन इट एंड मेनी पीपल से ग्लूटेन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर आपको ये चीज ट्राई करनी है तो डेफिनेटली ट्राई करके देखिए, बताइए मुझे नीचे कमेंट्स में आपका क्या एक्सपीरियंस था, आपको ये चिकन या मटन जैसा लगा या नहीं लगा। एक मोटी सी पैटी बना के, बर्गर भी बना के ट्राई करके खा के देखिए। आई थिंक दैट इज व्हाट आई डू नेक्स्ट। टिल देन यू गाइस कैन गो चेस योर ड्रीम्स, मेक एवरी सेकंड काउंट, हैव एन ऑसम डे। यू आई सी यू लेटर। यस सर, रेडीमेड नहीं है वो, अभी दिखाता हूं। नीचे लिंक दिया है रेडीमेड वाला।